नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास टेंथ मैथ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन, कॉस 48 माइनस साइन 42। देखिए, माइनस हो और जोड़ने पे 90 हो तो उसका जीरो आंसर हो जाएगा। टेन थीटा बराबर रूट थ्री है, तो टेन थीटा में रूट थ्री जो है कितने का मान होता है आपको बताना है। तो रूट थ्री होता है 60 डिग्री का, टेन में आंसर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता है फॉर्मूला आपका कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। दोनों पर स्क्वायर हुआ तो रूट हट जाएगा, तो कॉस बटा साइन आपका हो जाएगा कॉट ए। क्या हो जाएगा जी? कॉट ए। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। कॉस 60 के मान रखेंगे यहाँ पर, कॉस 60 के मान 1/2 और प्लस 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो 2 हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, और माइनस 1 हो जाएगा नीचे, यानी कि -3 आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर। टेन 60, टेन 60 का मान होता है रूट 3, आंसर हो जाएगा ए नंबर। साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए बराबर, ठीक है, तो रूट 7 हो जाएगा। एच का मान निकालेंगे तो रूट 7, एच निकालेंगे तो रूट 7 हो जाएगा, तो 4/√7, यानी कि कॉस ए आपको बताना है, तो हम निकाल लिए बी, तो रूट 7 हो गया, तो यानी कि हो जाएगा बी का मान हो जाएगा रूट 7, और यहाँ पर एस दिया है 4, तो नीचे हो जाएगा 4, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेन ए है तो कॉट 90 - a = 10a होता है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। कॉस ए बराबर 1 है तो साइन ए का मान बताना है, तो अंदर रूट 1 - cos² x होता है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। सेक ए बराबर 5/3, तो पी निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4/3 आंसर हो जाएगा, बी नंबर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं 1 होता है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। बी सी की दूरी बताना है, बी सी की दूरी ये दिया हुआ है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो साइन 60 बराबर लिखेंगे, साइन 60 बराबर, ठीक है, तो बी सी हो जाएगा बी सी बटा, या आप जो है सीधा टेन थीटा, ये हो गया लंब आपका पी हो गया, ठीक है, और ये हो गया बी, तो हम 60 डिग्री भी ले, टेन में ले लेंगे 60 डिग्री, तो और जल्द बन जाएगा आपका। तो टेन 60 ले लेते हैं एक ही बार, टेन 60, तो टेन 60 बराबर हो जाएगा बी सी, अब बटा हो जाएगा 8, टेन 60 का मान रूट 3, तो 8√3, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। साइन स्क्वायर 40 है तो लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर 90 - 50, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा 50, तो एक आंसर हो जाएगा, एक इसमें नहीं दिया है, कोई नहीं होगा। ये हो जाएगा 10 - 45 के माने 1 - 1 और यहाँ 1 + 1, यानी कि 0 हो जाएगा, ए नंबर आंसर। 1/√3 किसका मान होगा इसमें से बताना है, तो 10 जो है 30 डिग्री का मान होता है, 10 30, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 10 60 का मान, 10 60 का मान होता है √3, आंसर हो जाएगा बी नंबर। कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। वन प्लस टेन स्क्वायर 1 + cot² 1 + 10² है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर, नीचे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर, तो 10² हो जाएगा, डी नंबर आंसर। साइन 48 है, कॉस 42 है, जोड़ने पे 90 हो रहा है, माइनस है बीच में, तो 0 आंसर। कोसेक है और 10 है, ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 35, मैंने 35 सेम हो जाएगा 55 है, तो कॉट स्क्वायर, तो एक होता है फार्मूला। साइन 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान जो है आपको बताना है, इसको लिखेंगे 2 sin a × cos a, तो हो जाएगा कॉस a बराबर 2 sin a, से 2 sin a कट जाएगा, कॉस a बराबर 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो एक जो है कब होता है, जब 0 डिग्री होता है, तो कॉस में नहीं साइन में होता है, तो होता है, तो यहाँ पर जो है आपका ये क्वेश्चन मिस्टेक दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर अगर कॉस रहता तो कॉस वाला कट जाता, साइन वाला बचता, तो साइन 0 का मान 0 होता है,
एक 90 का मान होता है। यहाँ पर जो है आपका बच रहा है 2 साइन है, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर हम 2 साइन है इंटू कॉस है, देखिए बता रहे हैं आपको बना के, जैसे इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 ए का, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इधर दिया है 2 साइन ए, तो 2 साइन ए से 2 साइन कट गया तो हो गया कॉस ए बराबर 1, कॉस ए बराबर 1, तो 1 जो है किसका मान होता है, 0 का मान होता है, कॉस 0 डिग्री का, तो आंसर हो जाएगा ये नंबर, ठीक है।